वेलकम बैक टू द चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इस बार खड़े हुए हैं वो अपने तरफ से बांग्लादेश के हिंदूज इवन ऑल ओवर वर्ल्ड के जो हिंदूज हैं उनके सेफ्टी के लिए बात किया है जैसे कि हम लोगों को पता है कि यूएस में इलेक्शन चल रहा है और इस बार इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और ऑन द अदर साइड कमला हैरिस जो है वो अपने तरफ से लड़ रहे हैं और आगे जाके दोनों में कोई ना कोई जीतेगा यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं तो नो no डाउट अपने तरफ से हर कोई अपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ भाषण दे रहे हैं आगे जाकर वो लोग हर किसी को कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे वोट दो क्योंकि मैं आप लोग को एक बेटर यूएस या फिर अमेरिका प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप लोग और भी शांति से रह पाएंगे और दुनिया में शांति रहेगा यही हम लोग का काम है तो नो no डाउट ये सारे स्टेटमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन गया है अभी डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट जो ट्वीट आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से बांग्लादेश के जो हिंदूज है उन लोगों के ऊपर में जो अत्याचार किया गया है उसको लेके बात किया है ट्रंप ने कहा अपना जो ट्वीट है अगर आप चाहिए ये ट्वीट आप देख सकते हैं ये अभी भी अवेलेबल है दुनिया भर के लोग जो इसे भर भर के पड़े हैं ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ट्रंप अपने तरफ से अपना जो दोस्त थे एग्जैक्टली एलन मास्क उनका ही है, हैंडल है एक्स हैंडल है, जिसको हम लोग पहले ट्विटर कहते थे उसको यूज़ करते अपना कुछ भी मतलब जो सोच है उसको दुनिया के सामने लाने के लिए तो नो no डाउट ये जो ट्वीट है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्वीट है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोला है कि ये जो बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर जो किया जा रहा है या फिर बांग्लादेश के जो क्रिश्चियंस है और हिंदू जो माइनॉरिटी ग्रुप है बांग्लादेश में अगर हम लोग बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ है आपके हिंदू और क्रिश्चियन एग्जैक्टली exactly जो नॉन मुस्लिम पीपल्स है उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया है ये काफ़ी गलत है और ये सारा जो किया गया है ये जो बिडन और कमला हैरिस का जो सरकार है मतलब प्रेजेंटली हम लोग को पता है कि यूएस जो है वो जो बिडन यूएस के प्रेसिडेंट है और आगे जाके यूएस में जो बिडन नहीं रहेंगे क्योंकि उनका जो टर्म है वो ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट इलेक्शन में उनके पार्टी से कमला हैरिस लड़ रहे तो नो डाउट हो सकता है कि आगे जाके कमला हैरिस या फिर ट्रम्प जीते तो ट्रम्प का कहना है कि यूएस प्रेजेंटली जो बांग्लादेश में किया है जिसके वजह से बांग्लादेश के जो माइनरिटीज ग्रुप है मतलब जो हिंदूज है और जो क्रिश्चियंस है वो लोग सफर कर रहे हैं और ये काफी गलत क्या है अगर आप ये ट्वीट को पूरा पढ़े तो आपको ये पता चलता है कि ट्रम्प बोलना चाहता है कि यूएस को ये करना नहीं चाहिए ये था यूएस का ये जो स्टेप है ये काफी गलत है ऑन द अदर साइड ट्रम्प ने इसी ट्वीट में ये भी बोला है कि जो हिंदू सिर्फ बांग्लादेश में है ऐसा नहीं दो हिंदू दुनिया भर में है ऑन द अदर साइड जो हिंदू यूएस में भी है उन लोगों को सेफ़्टी प्रोवाइड करना मेरा काम होगा जब मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा इलेक्शन में जीतने के बाद मैं सारे जो हिंदूज़ है उन लोगों का जो सेफ्टी है उसमें उस मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा और मैं देखूंगा हमेशा से कि आगे जाके ऐसा हिंदूज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो तो नो डाउट यूएस के हिस्ट्री में कोई भी कैंडिडेट आज तक जो भी कोई मतलब प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट अपने तरफ से पहली बार हिंदूज के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके वजह से नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट बन गया या फिर ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्वीट बन गया ट्रंप का और दुनिया भर के हर कोई ट्रंप को सपोर्ट कर रहे है तो ये सब सुनने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन आरइज होता है तो हो सकता है ये सुनने के बाद आप बोले भैया वोट के टाइम में मंत्री जी तो कुछ भी बोल लेते हैं हम लोग के यहाँ वैसे ही ट्रम्प ने यह बोल दिया होगा आगे यूएस का जो हिंदूज है उन लोगों का वोट लेने के लिए तो इसमें इतना ध्यान देने का क्या है यूएस का टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ वन जो है वो है हिंदूज और इनमें से कितना वोट ट्रंप को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो ट्रम्प सोच के ये बात नहीं बोला क्योंकि वन परसेंट वोट के लिए कौन अपने तरफ से जब इलेक्शन शुरू मतलब चल रहा है उस टाइम में ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकता है ऑन द अदर साइड देखा जाए ट्रंप ने इनिशियली जो बोला था वो है आपका बांग्लादेश का जो हिंदू सिटीजन है उनके लिए या फिर जो बांग्लादेश में क्रिश्चियंस है या जो माइनॉटीज है उनके लिए इसके बाद उन्होंने ये जो दुनिया भर में सारे हिंदूज है इंक्लूडिंग जो यूएस में हिंदूज हैं उन लोगों का बात भी बोला है तो नो no डाउट ये जो स्टेटमेंट आया है ये सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं आया है ट्रंप ने अपने तरफ से कोशिश किया है कि हो अगर ट्रंप आते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो दुनिया में इतना हलचल हो रहा है स्पेशली जो बांग्लादेश में हो रहा है इसको स्टॉप किया जाएगा और यही सोच के ट्रंप ने अपने तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है अगर हम लोग पास्ट में देखें इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से बहुत पहले से ही ये जो इशू था ये रेस किया जा रहा था ऑन द अदर साइड वेस्ट के जो मीडिया है वो इनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा था ऑन इसके अलावा भी अगर देखें वेस्ट नहीं चाहता था कि भाई इस बारे में कुछ ज़्यादा कन्वर्सेशन हो जब मोदी जी अपने तरफ से यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन के साथ बात किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोदी जी भी ये जो इशू था ये रेस किया गया था आगे यूएस ने इसको एंटरटेन ही नहीं किया जिससे हम लोग को ये तो पता चल गया कि भाई यूएस का जो किया कर रहा है बांग्लादेश में यूएस वो हाईलाइटेड होना नहीं चाहता कि हम लोग ही ये किया है यूएस देख रहा है कि भाई ये जो हुआ है ये शेख हसीना के टाइम में शेख हसीना ने ठीक से संभाल नहीं पाया बांग्लादेश में बहुत उन्होंने बहुत गलत स्टेप लिया जिसके वजह से ये नॉर्मली बांग्लादेश में हुआ है मगर ये नॉर्मली नहीं हुआ है सबको पता है आज के डेट में बांग्लादेश का जो हालत है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है ऑन द अदर साइड जो सफर कर रहे वो है बांग्लादेश के माइनॉरिटीज ग्रुप इसके अलावा भी जो सफर कर रहे हैं बांग्लादेश के सिटीजन डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जगह में प्रोटेस्ट हो रहा है कंट्री का इकोनॉमी जो इतना फास्ट ग्रो कर रहा था उस इकोनॉमी का हालत अकबर एक, एक बार आप देख लीजिए जब से ये इंट्रीम गवर्नमेंट आया है तो ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो कि इंडिया ने तो अपने तरफ से रेस किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई एंटरटेन नहीं किया आज ट्रंप जाके वो बात क्यों बोल रहे हैं ट्रंप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्रम्प को लग रहा है कि भाई ये गलत हुआ है और अगर कुछ भी गलत होता है सिर्फ वोट के लिए नहीं हम लोग के जो भी कोई लीडर्स है हमेशा वो लोग जो काम करते हैं वो अपना वोट के लिए नहीं करता हो सकता है कि कुछ लीडर्स है जो लोग सिर्फ वोट के बारे में सोचते हैं ऑन द अदर साइड कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो लोग मतलब जो स्टेटमेंट देते हैं वो आपका न्यूट्रल होकर देते हैं जो गलत है उसको गलत बोलते हैं जो सही है वो सही बोलते हैं तो ट्रम्प ने इसीलिए हो सकता है कि अपने तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है या फिर ये ट्वीट किया है जिससे हम लोग को पता चल रहा है एक्जैक्टली ट्रम्प का क्या स्टैंड होने वाला है इन फ्यूचर अब जो क्वेश्चन आराइज होता है जो था, अगर ट्रंप का ये स्टैंड रहता है तो आगे जाके किसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नो डाउट सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो है बांग्लादेश के इंट्रीम गवर्नमेंट को अभी जो लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस क्योंकि मोहम्मद यूनिस का पता है कि उनके एग्जैक्टली exactly बांग्लादेश में रहना और बांग्लादेश का गवर्नमेंट को अभी लीड करने का या फिर उनका जो भी प्रोग्राम है उसको उनको क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है सारा कुछ उनके पास जो आता है यूएस से आता है ऑर्डर कि भाई आप ऐसा कीजिए ये कीजिए वो कीजिए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होने से मोहम्मद यूनिस सबसे पहले जो है यूएस में फ़ोन घुमा देता है कि भैया ऐसे हो गया आप क्या करें ये इसको क्या करें या फिर यह कैसे हेल्प करे तो ये सब सोच के तो मोहम्मद यूनिस अगर जब भी मोहम्मद यूनिस अपनी तरफ से ये ट्वीट पढ़ा होगा उनको तो डर लगने लगा कि भाई ट्रम्प अगर जीत जाए तब मेरा क्या होगा आगे जा कर ट्रंप हो सकता है कि मोहम्मद यूनिस का ये जो क्या करा है इसके वजह से मोहम्मद यूनिस को यूएस में घुसने ना दे ऑन द अदर साइड अगर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस रहता है और बांग्लादेश में जो मतलब आम जनता है उन लोगों के वो वहाँ से एग्जैक्टली exactly, बांग्लादेश में फिर से इलेक्शन होते हैं उन लोगों का चॉइस का जो लीडर्स है अगर शेख हसीना फिर से जीत जाती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोहम्मद यूनिस कहाँ जाएगा उनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है अपना इकोनॉमिक्स को लेके मगर वो जो एक्सपीरियंस है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ काम आएगा ना बांग्लादेश का गवर्नमेंट को या फिर बांग्लादेश के इकोनॉमिक कंडीशन को रिजॉल्व करने में वो काम आएगा ना यूएस उनको एंटरटेन करेगा ऑन द अदर साइड इंडिया के बारे में उनका जो स्टेटमेंट रहा है या फिर जो रवैया रहा है इंडिया भी उनको बोलेगा नहीं भैया हम लोग के लिए आपका दरवाज़ा तो पूरा बंद है तो मोहम्मद यूनिस का फ्यूचर डिपेंड करता है यूएस इलेक्शन के ऊपर अगर यूएस इलेक्शन में ट्रम्प जीत जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोहम्मद उन्नीस के लिए जो प्रॉब्लम है ये बढ़ने वाला है या फिर प्रॉब्लम का जो मतलब लिस्ट है वो शुरू होने वाला है ऑन द अदर साइड अगर कमला हैरिस जीतता है तो कमला हैरिस और जो भी के सोच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ऑब्वियसली होगा कमला हैरिस कैसे इसको ट्रैकल करेगा या आगे उनका क्या सोच है ये भी डिपेंड करता है कि आगे जाके क्या होगा तो हो सकता है कि हम लोग को जब तक यूएस इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है बांग्लादेश में उतना ज़्यादा कुछ हाईलाइटेड घटना हम लोग के सामने नहीं है क्योंकि बांग्लादेश वेट कर रहे इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का मतलब प्लान है एक्शन का वो हम लोग करेंगे ऑन द अदर साइड एक और कंट्री का फायदा है वो है इंडिया अगर इंडिया में से बहुत एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हिंदू जो है वो यू एस में रहते अगर उन लोग का सेफ्टी बढ़ जाता है यू एस में ट्रम्प जीतने के बाद या फिर जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम है वो अगर रिजॉल्व हो जाता है जैसे कि बांग्लादेश पहले था हम लोग के साथ इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा था उस लेवल पे फिर से आ जाता है बांग्लादेश तो नो डाउट इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा घबरा होगा इसके अलावा भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं हम लोग को और कुछ ट्वीट देखने को मिले या फिर बहुत सारे ट्वीट्स देखने को मिले जिससे हम लोग का जो व्यू है एग्जैक्ट कौन सा कंट्री का जो गवर्नमेंट है ये सबसे मतलब जो हम लोग कहते हैं हर कोई भाई हम लोग जो है हम लोग सुपर पावर है सुपर पावर में भी गवर्नमेंट क्या क्या करता है या फिर गवर्नमेंट के ऑपोजिट में जो है उन लोग का एग्जैक्टली क्या सोच है गवर्नमेंट को लेकर वो हम लोग को देखने को मिल तो होपफफुल ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ए टी ए एन यू स्पेस पी एल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियो वहाँ आपको अवेलेबल है जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है हो सकता है कि वो भी आपके तरह ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करना शुरू कर दे और ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का भी रोजी रोटी चलता रहता है इसके अलावा भी जब भी आप चैनल में जा रहे हैं सब्सक्राइब करें आइकन जो है उसमें क्लिक कर दीजिएगा वीडियोस डिफरेंट टाइम में आता है जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद